बाजार में ऐसी हरी हरी पालक देखने को मिली तो सोचा क्यों ना आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। तो ये देखिए, ये है हमारी नई रेसिपी आप सबके लिए। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पालक चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कोरिएंडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नमक, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे मिनिमम 10 मिनट के लिए। मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। पहले मैंने यहाँ पे एक पालक लिया है। अब पालक के ये जो स्टेम है हम इसे काट के अलग कर लेंगे। ये स्टेम हमें चिकन में नहीं डालना है, इसे आप डिस्कार्ड कर दें। अब ये जो बचा हुआ पालक है इसे हमें कट करना है। तो हम इसे लंबा लंबा इस तरीके से कट कर रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 2 अनियंस, इसे भी हम बारीक बारीक चॉप करके रख लेंगे। अब हम 1 टमाटर को अच्छे से वॉश करके रफली चॉप करके रख लेंगे। ये हमारे टमाटर भी चॉप हो गए। अब हमें सबसे लास्ट में अपनी ग्रीन चिलीज को चॉप करना है। तो यहाँ मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली है, इसे हम बीच से स्लिप करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो बस हमारे सारे के सारे वेजिटेबल्स रेडी हो चुके हैं। ये हमने पालक कट करके रख ली है और ये हमने अनियंस भी कट करके रख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इनको बनाना। तो गैस पे हमने अपनी कढ़ाई को रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, और जैसे ही हमारा ऑयल हीट हो जाएगा हम इसमें अपने कटे हुए प्याज को डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसे अच्छी तरह से भून जाने देंगे। तो ये देखिए, अब हमारे प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसको इतना भूनना है जब तक कि ये एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे तरह से भून चुके हैं। तो अब हम अपनी गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और अपने चिकन के जो मैरिनेटेड पीसेस थे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली चलाने के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ब्राउनिश कलर का हो गया है, क्योंकि हमारे प्याज भी ब्राउन हो चुके थे इसीलिए कलर इस पे चढ़ा है। तो हमने फ्लेम को अभी कर दिया है कम और इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर। तो इन टमाटरों को भी करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसके बाद 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, हम ढक्कन को हटा के देखते हैं। तो
जो टमाटर है थोड़े से अभी और गलेंगे, तब तक मैं इनमें मसाले भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी टमाटर के साथ पक जाए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ ही साथ मेरे पास ये सुहाना का चिकन मसाला है। आपके पास जो भी है, जिस भी कंपनी का है, आप इसमें एक चम्मच के करीब इसमें डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बाद हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक ढक करके फिर से पकने देंगे, ताकि हमने जो मसाले इसमें ऐड करे हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ढक करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम अपने ढक्कन को फिर से हटाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पकना स्टार्ट हो चुका है। हमारे टमाटर भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपने पालक को ऐड करेंगे। अपने पालक को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं। मेरे पास छोटी कढ़ाई है, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी। और 1 ही मिनट में आप देखोगे कि ये सारी पालक गल के थोड़ी सी हो गई है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अगर आपके पास कढ़ाई छोटी है मेरे जैसे। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम अपने कढ़ाई के ढक्कन को हटा करके देखते हैं कि हमारा चिकन कितना पका है। ये देखिए कितनी अच्छी से ये ग्रेवी बनके रेडी हुई है। ये पालक चिकन की ग्रेवी, और इस ठंडियों के मौसम में आप इसका मजा जरूर लीजिए। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसको हम फटाफट से सर्व भी कर लेते हैं। पालक और चिकन की रेसिपी बनके तैयार है। आप अपने घरों में इस तरीके से पालक चिकन जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये खाने में बहुत ही जबरदस्त है और इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत ही अमेजिंग है।